कल कौन सी तारीख है? 1 मई। 1 मई 2019 को रात 12 बजे से टेलीग्राम हमारा लीगल टेंडर नहीं रहेगा। टेलीग्राम में चलने वाली सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, ठीक। ये लीगल टेंडर के रूप में नहीं है। और फाइनली जो है आज़ाद IAS एकेडमी के जितने भी ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन वालों की जितने भी प्रॉब्लम है वो सब आज़ाद IAS एकेडमी प्लस में चलेगी, आज़ाद IAS एकेडमी प्लस में चलेगी। तो अभी बड़ी संख्या में चल रहा है काम, पिछले हम काम कर रहे हैं। मैं सैटरडे को आप लोगों के पास से यहाँ से गया हूँ और तब से लगभग हो गए 48 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा टाइम तब से। अच्छा, तो इसका ये पूरा प्लस है, दो एप्लीकेशन है आज़ाद IAS एकेडमी प्लस। तो 48 घंटे से लगातार हम इसी काम पे लगे हैं, सोए नहीं है, दो दो घंटे, एक एक घंटे की नींद है, लेकिन काम अभी चल रहा है। रिमूव हो रहे हैं लोग लगातार, कुछ लोग यहाँ के लोग भी जुड़े हुए थे, चला गया। वो चेकिंग करने पे पता चला कि ये भी जुड़ी थी, कि ऑनलाइन से आई थी। हाँ, आप भी थे। हाँ, आप लोग तो इलीगल थे, अवैध थे, ठीक है। तो जितने यही था, अकेले बैच हम थोड़ा ना चला रहे थे, आज़ाद IAS एकेडमी बैच बहुत लोग चला रहे थे। एक एक आदमी जो है चार चार आठ आठ दस दस बैच कोई पढ़ा रहा था। कोई तो बहुत लोगों की कहानी ये सुनने में आई है, वो अच्छी बात है, इसमें गलत नहीं है, कि कुछ लोगों ने कोचिंग खोली हुई है, बहुत सारे लोगों ने जो मुझे बच्चों ने बताया। और वो लोग कुछ नहीं करते, प्रोजेक्टर यहाँ के ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए हैं, और जुड़ने के बाद वो क्या करते हैं, अपने यहाँ प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं, सिर्फ वीडियो प्ले करने के लिए जाते हैं कि ये सर है, ये हमारी कोचिंग में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो ऐसे भी चल रहा है, तो ये गलत नहीं है, चलो ठीक है, चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉपर जो चल रहा था धोखाधड़ी साजिश, पता चल रहा था कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, बच्चे फ़ोन कर रहे हैं हम इस बैच से जुड़े, मैं बोलते ये बैच तो है ही नहीं हमारे पास। तो अब सब खुल के आ गया, सब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे परेशान हो रहे हैं। अभी दिक्कत ये थी कि एक ही फीस में भाई भी पढ़ रहे थे, बहन भी पढ़ रहे थे, छोटी बहन भी पढ़ रही थी, उसके चाचा का लड़का भी पढ़ रहा था और मामा का लड़का भी पढ़ रहा था। तो अभी कल कई बहुत लोग फंसे, उन्होंने कहा कि सर ऐसा था कि हम 5 लोग पढ़ रहे थे एक साथ, हमने कहा कि कक्षा 1 में या 2 में जब आप स्कूल में जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पर 5 बच्चे यदि तो 5 में 5 के लिए है ना अलग अलग व्यवस्था करनी होती है, अलग अलग फीस देनी होती है। तो फाइनली ये आपका टेलीग्राम में बनने वाले जितने भी बैचेस थे सब ख़त्म हो गए। बैचेस के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन के आया है आज़ाद IAS एकेडमी प्लस। हाँ, इसमें कुछ अपडेट हैं जो मुझे भी लगी, बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि कुछ अपडेट होनी चाहिए, वैसे प्रॉपरली बहुत बेहतरीन है। व्हाट्सअप भी नहीं रह जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप भी ख़त्म हो जाएगा। अब बहुत जल्द व्हाट्सएप की भी घोषणा हम करेंगे, आज़ाद IAS एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप से जो गतिविधियां हैं, जो ऑफिशियली गतिविधियां हैं, वो भी प्लस में ही करेंगे, क्योंकि प्लस में दोनों चीज़ें हैं, टेलीग्राम के भी फीचर्स हैं और व्हाट्सएप के भी फीचर है। चैट वाला सेक्शन आप लोगों ने देखा है, चैट वाला सेक्शन, टेस्ट सीरीज का सेक्शन वहीं पर है, वहीं पर वेबसाइट है, वहीं पर मेन आंसर राइटिंग पोर्टल भी लग गया है, तो प्रॉपर सारा कुछ वहाँ पर सेट हो गया है। ऑफलाइन वालों के लिए भी अब आपको मैं आप किसी दिन बुलाऊंगा, जैसे 2 दिन हमने सोचा है, आज ये काम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, परसों से आपको पैनल दे दूंगा, जिसको जिसको दिक्कत है लीगल एक बार कारण बताना, जिसका जो सब्जेक्ट छूटा होगा उसे पर्सनली पैनल मिल जाएगा, वो अपना पूरा कर लेना और इसके बाद फिर हट जाने हटा दिया जाएगा, कोई उसके आपको टेंशन ही नहीं लेनी। अब प्लस में तो सब अपने हाथ में है चीज़ें। तो इसमें कुछ ऐसा करके एक इंटरफेस आ रहा है जो मैं बैच दिखाता हूँ जो ऑनलाइन वालों के पास जा रहा है। आप लोगों का तो लगभग 2 आप लोगों को मिले, अभी सब लोग शायद नहीं जुड़े हैं, है ना, आप में भी सब लोग नहीं जुड़े हुए हैं। और इसमें परेशान वो हो गए जो गलत काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत लोगों ने बहुतों लोगों से फीस ली हुई थी हमारे नाम पे, तो हमारे पास भी फ़ोन आ रहे हैं। अब वो लोग परेशान हैं कि अब क्या होगा, अब तो आगे की क्लासेस और सारी की सर्जिकल स्ट्राइक अभी होगी हमारी, उसमें ये होगा कि सारे वीडियो जो चल रहे थे वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे सभी प्लेटफॉर्म पर, जो लोग चला रहे थे, जैसे एंशियंट हिस्ट्री की क्लासेस बंद हो चुकी हैं, नहीं चल रही हैं, एंशियंट हिस्ट्री बंद हो चुकी है, पॉलिटी की क्लासेस कुछ बंद हो चुकी हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक में हम सारी क्लासेस डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये होगा।
और ये दूसरा ये नोटबंदी जैसा हुआ है। तो यहाँ पे ये है आपका 103 बैचेस है जिसको जो बैच मिल रहा है, बहुत बैच हैं। एक तो बच्चे इतने लगभग, और हम ये नहीं चाह रहे कि जिनका कोर्स कंप्लीट करा दिया उनको छोड़ दिया जाए, हमने उनको भी जोड़ के रखा है यहाँ पे प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे बैच मिलने के बाद जो है ऐसा कुछ इंटरफेस है, लास्ट में सबसे ऊपर ओवरव्यू का सेक्शन रहता है, आप लोगों को भी जो मिला होगा उसमें भी ओवरव्यू होगा। सबसे पहले ओवरव्यू के बाद अटेंडेंस का सेक्शन है, अटेंडेंस बैक हैंड से लगेंगी, आप लोगों को अटेंडेंस लगाने का हमने नहीं दिया है, देखते हैं यदि हो जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ पे लगाए करेंगे। ऐसे ही सिस्टम देखो अटेंडेंस का कितना बेहतरीन सिस्टम है, जैसे आप लोगों की मुझे अटेंडेंस अभी लगानी है आज की अटेंडेंस, तो देखिए कितना बढ़िया से मैं लगा सकता हूँ। जैसे टीचर आता था ना रजिस्टर लेके, इसमें बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है अटेंडेंस लगाने का। ऑनलाइन वालों की तो नहीं लगा सकते इसलिए बैक हैंड में उनका रखेंगे, आप लोगों का यहाँ पे लगाएंगे हम अटेंडेंस। देखो अभी मैं सबकी अटेंडेंस लगाता हूँ जो आप लोगों का बैच है, अभी चल रहा है यहाँ पे बैच नंबर, आपकी जो क्लास चल रही है वो चल रही है 202 वाला बैच चल रहा है। अच्छा जो लोग जुड़े हैं, क्योंकि टाइमिंग हमारी अभी 11:30 से 1:30 वाला है। अब देखो अटेंडेंस का सिस्टम कुछ ऐसा है, यहाँ पर मुझे जाना है, यहाँ पर स्टूडेंट पर जाना है, ये सारे स्टूडेंट हैं। हाँ आप लोगों को नहीं कुछ करना है, मैं जैसे आऊँगा क्लास में तो मुझे कितना आसान है अटेंडेंस लेना, मैं यहाँ पे बस बहुत इजीली आप लोगों से पूछूंगा कि भाई आप में से कौन कौन है जो प्रॉपर्ली यहाँ पे नहीं आए हैं, बस उसका नहीं आए वालों को यहाँ पे एब्सेंट कर देना है। यहाँ पे एक बटन का सेक्शन है और उस बटन से बड़े ईजिली आपको जो है वर्क करा लेना है मुझे, तो बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया सिस्टम ये बना है कि इसमें प्रॉपर कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ये ऑप्शन है ओवरव्यू में, सबसे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मार्क अटेंडेंस का, इसे ओके किया हमने, और इसमें जितने भी लोग हैं जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का अटेंडेंस का सेक्शन आ जा रहा है। बस ये देख लेना ये नहीं आए, अपडेट कर देंगे आपकी अटेंडेंस चढ़ जाएगी। शायद एक दिन की मैंने चढ़ाई भी थी किसी बैच में 26 वाले में, है ना, एक दिन की अटेंडेंस आपको दिख भी रहे होगी आप प्रेजेंट थे, तो प्रॉपर एक डेट बना लेंगे यहाँ पे, ये वाली अटेंडेंस और वो वाली अटेंडेंस टीचर आके खुद लगाएगा। इसके बाद जो है जो लोग ओवरव्यू का सेक्शन है, ओवरव्यू के बाद अटेंडेंस का है, तीसरा होमवर्क का है। बहुत जल्द आपको यहाँ पर होमवर्क, जिस दिन छुट्टी रहेगी एक दिन पहले कुछ होमवर्क असाइन कर सकते हैं और करेंगे भी। इसके बाद अनाउंसमेंट जो आपको होती हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट का सेक्शन है, टेस्ट का सेक्शन है बच्चे का, टेस्ट के बाद जो है वीडियोज का सेक्शन है, सबसे अंत में है वीडियो का सेक्शन, टेलीग्राम फीचर सबसे लास्ट में लगा हुआ है, और ये है ऑनलाइन बैचेस कुछ ऐसे चल रहे हैं। सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन का सेक्शन है, जो इंट्रोडक्शन है कि आप ऑनलाइन बैच में जुड़े क्या क्या है, क्या क्या होगा, कब तक का सफ़र है, संस्था क्या है, इसके बारे में है। फिर वर्कशॉप सेशन लगे हुए हैं, देखिए जितने वर्कशॉप सेशन हुए हैं सारे यहाँ पे लगा दिए गए हैं आराम से वर्कशॉप सेशन। इसके बाद फिर आपकी क्लासेस चालू, पॉलिटी मेरे द्वारा पढ़ाई गई है, जो टीचर पढ़ाएगा सबके लग जाएंगे। कल के दिन आप जाओगे तो यही पैनल आप लोगों को भी मिलेगा, आपको लाइफ टाइम आप जब तक नहीं होगे सेलेक्ट तो आप यहाँ से रिवीजन करते रहोगे, आपके रिकॉर्डेड क्लासेस आपके हाथ में रहेंगे आपके घर में, ठीक है। हम सभी ऑफलाइन वाले बच्चे जो संस्था जाएंगे फाइनली उनको विदाई के रूप में ये दे देंगे कि सारी की क्लास आप ले जाइए और आराम से इनको कोई दिक्कत नहीं, ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये क्लास नहीं है मेरा छूट गया। अभी के लिए है कि जिस दिन आपकी क्लास छूटेगी मैं आपको पैनल दे दूंगा, आपके यदि ज्योग्राफी छूटेगी तो आपको केवल ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी, पूरा नहीं मिलेगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सेपरेट बनाया गया है। 201 और 202 में कुछ नहीं आएगा आपके, आपको अलग से एक सेक्शन दिखने लग जाएगा ज्योग्राफी का, जब वो दिखेगा ऑटोमेटिक आप जो है, जैसे कोई बताइए कोई एग्जाम्पल कोई है जिसको मैं जोड़ूँ ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी किसका छूटा हुआ है, अरे एक ही का जोड़ूंगा मैं, सबको नहीं जोड़ूंगा, चलो भाई अच्छा चलो ठीक है आपको भी रुक जाइए, अभी इनको जोड़ देते हैं पहले, है ना, महिलाओं को पहले हैं तो बाकी आपको आपको कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, सबको जोड़ेंगे, सब टेंशन मत ले, मैं एक दिन बस बुलाऊंगा सब लोग एक बार क्लास में बैठ के क्रम से जुड़ जाएंगे। तो इनको अभी पैनल है आपके पास, है ना ग्रुप, अभी देखिएगा मुझे आपको ये बताना है कि हाँ दिखने लगा कि नहीं, बस ये है, अपना नंबर बताइएगा एक बार मुझे, एक सेकेंड, हाँ 95, जिससे आपने देखो इसमें एक नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होता है, वही नंबर है मेन आपका 9599972 अंजलि कुमारी, है ना, नंबर दिखने लग गया। अब देखिए कुछ आया, रिफ्रेश कीजिए इसे, आ गया क्या आया, अच्छा अभी खुल ही रहा है, देखिए
ये आ गया है 308 करके आया है, 308 करके आया है, और इसमें है आपका इंडियन ज्योग्राफी, ये सेक्शन लग गया। ऐसे करके आप लोगों को मिलेगा, जो सब्जेक्ट जिसका आईआर छूटा है आईआर मिल जाएगा। तो इसके बाद जो है कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो ये इसमें भी लास्ट में आपको ये वीडियो लगे हुए हैं, लास्ट में ये मेरे नाम से है ये, और ये वीडियो लगे हुए हैं सारे क्रम से, ठीक है। हाँ ज्योग्राफी में अभी जो धीरे धीरे अपडेट भी हो जाएंगे जितने होंगे, 43 तक लगे हुए हैं, तो अभी बस आपको तुरंत हटा देता हूँ मैं अभी नहीं, जब फाइनली जोड़ा जाएगा तो फिर ऑफिशियली सबको जोड़ा जाएगा किसी के लिए, तो डेमो दिखाने के लिए था, अपने आप जो है ये आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़े स्तर का व्यापक बढ़िया अच्छा सा सिस्टम बना है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है, दो तीन प्रॉब्लम आ रही जो अपडेट होंगी। पहले तो इसका वीडियो वाला सेक्शन, ये जो वीडियो वाला सेक्शन है इसमें शायद वीडियो प्ले करने पे तीन चार चीज़ें, एक तो डाउनलोड नहीं होता, तो डाउनलोड क्यों हो, डाउनलोड इसलिए हो ताकि कहीं और अपलोड करके उसका भी है ना, उसका ये कॉपीराइट का हनन किया जाए, इसलिए आप डाउनलोड करना चाहेंगे। इसमें एक पहली चीज़ नहीं आ रही कि फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जैसे जो ज्योग्राफी से फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, ये थोड़ा दिक्कत वाला है, क्योंकि मान लो मैं आप लोगों से दरबार कर रहा हूँ, बच्चा नहीं सुनना चाहता तो ऑनलाइन वाला, तो उसके लिए फॉरवर्ड का सेक्शन आ जाएगा अगला डेट में, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिज्यूम करने का आ जाए, जहाँ से जैसे क्लास आज आप आधी पढ़े, आधी छोड़ कर कि कोई मेहमान आ गया आपके पास, तो अगली बार जब ओपन करें तो फिर से वहीं से चालू हो, ऐसा नहीं हो कि फिर शुरू से चालू हो, सिस्टम के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ये देखो एक ये क्या है, एक बेवकूफ़ मशीन है, इसको कुछ नहीं पता, इसको जितना बता देंगे तो धीरे धीरे ये सेक्शन भी इसके साथ ऐड हो जाएंगे प्रॉपर सारी चीज़ें, कोशिश यही है। तो अभी क्या करना है कि टेलीग्राम से जो रिमूव हुए हैं ऑफलाइन वाले उनको तो नहीं जोड़ा जाएगा, अभी तक खूब आनंद लिया आपने, एक भी बार आपने बताने की भी जहमत नहीं की कि बताया था तो हटवाना चाहिए ना प्रॉपर, कि अब हटा दीजिए। और कौन जुड़ा था यहाँ पे, ये आनंद जी आप भी जुड़े थे, आप किस बैच में थे, अच्छा तो हटवाना चाहिए ना आपको, कि हटाइए भाई मैं कैसे जुड़ा रह गया, लाइन से हटे होंगे सब है ना, सारा का सारा बैच गया होगा, ठीक है अभी चल रहा है। बस ये है कि अब क्लास लेनी है आप लोगों की तो प्रॉपर, चूँकि मैं उसमें बैठ के खुद काम कर रहा हूँ, लगातार हम लोग 48 से मतलब लगे हुए हैं, ये प्रो काम हो जाए तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे फिर। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और आप लोगों का भी बहुत जल्द व्हाट्सअप की प्रॉब्लम ख़त्म होकर के व्हाट्सअप पे जो न्यूज़पेपर आता है या कुछ आता है, डिस्कशन तो हमारा प्लस में होगा। डिस्कशन किया किसी ने कि नहीं किया, अभी हमारे बैचेज में डिस्कशन चालू हुए कि नहीं हुए, चैट का ऑप्शन है आपके बैच में, अच्छा थैंक यू भर आता है, अब थैंक यू भर ही आएगा, व्हाट्सएप में रहता था कि इसमें डिलीट का ऑप्शन हमने नहीं बनवाया, इसलिए लिखने से पहले एक बार ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप में होता है कि चीज़ें डिलीट भी हो जाती हैं, एक बार चला गया तो चला गया। तो अब अपने बैच में आराम से आप लोग करिए, आराम से चैट कर सकते हैं वहीं पे बातचीत, जो ऑफिशियली बातें हों। देखो दिक्कत ये थी कि बच्चों को परेशानी बहुत होती थी, जो सिंसियर बच्चे थे व्हाट्सअप में आ रहा है, व्हाट्सअप में अकेले भर इस बैच भर से नहीं जुड़े होते थे, दिन भर मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन ही में पढ़ना है, फ़ोन ही में मैसेज आ रहे हैं, तो चैट का ऑप्शन इसलिए यहाँ पर रखा गया है, स्टैंडर्ड फीचर हैं तो वो शो नहीं होंगे, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन हमने ऑफ करवाया इस चीज़ का, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को न्यूज़पेपर आज़ाद इस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, 14,000 लोग हैं वहाँ पर, देखा है कि नहीं देखा, टेलीग्राम चैनल हमारा है ऑफिशियली, 14-15,000 लोग जुड़े हैं वहाँ पे, न्यूज़पेपर आएगा बस, न्यूज़पेपर भर के लिए टेलीग्राम जिंदा रहेगा, इसका चैनल वाला सेक्शन, बाकी का बैच वाला सेक्शन जो है सब ख़त्म। ये है आपका 14,000 लोग हैं इसमें, ये वाला सेक्शन है, यहाँ पर केवल एक ही तरफ से काम हो सकता है, वन वे बनाए गए प्लेटफॉर्म, चैनल हमेशा वन वे ही होता है, टू वे नहीं होता, तो ये हमारे माध्यम से ही इसमें न्यूज़पेपर डेली आपके आ जाए करेंगे, यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और जो मटेरियल संस्था को भेजना है वो आपका डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ आज़ादी सेकेंडरी प्लस में होगा, ठीक है। आपको अनाउंस, हाँ बाहरी नहीं जुड़ सकता, किस में, ऑफलाइन वाले में, जोड़ा गया ना आप लोगों को, जितने लोग इसमें जुड़े हैं सबको जोड़ा गया, ये सिर्फ अपने संस्था के बच्चे हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई बाहरी कैसे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं, जितना बड़ी बड़ी हैकिंग वाले हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, अब आप इसको नहीं कुछ कर सकते, बहुत चला बहुत किया, बहुत लोगों ने गलत किया, उनको अब ऑटोमेटिक अपना पश्चाताप होगा,
और जिसने भी बच्चों से फ़ीस ली होगी पूरी फ़ीस वापस करवाऊंगा उनसे, पहले पूरी वापस करो उसकी। और नहीं तो अब मैं ये नहीं चाहता कि किस तरीके से पुलिस कार्रवाई उन पे जाए, नहीं करियर ख़राब हो जाएगा और नहीं सीधा 420 का केस बनता है। 420 का वो काम कर रहे हो आप लोग, किसी संस्था के नाम पे ठगी कर रहे हो तो ये गलत है। तो उसी सब उद्देश्य से है, बाकी अभी तो वीडियो भी गायब होंगे बहुत जल्द, जिस YouTube चैनल पे भी अपलोड होंगे वो भी जाएंगे, उन पे भी सीधा सीधा चैनल ही बंद किए जाएंगे, उन पे सब पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारा जाएगा, चैनल भी उनका चला जाएगा अपने आप, क्योंकि बहुत सारे चैनल हमारे वीडियो चला रहे हैं। कोचिंगें खोले हुए हैं, कोचिंगों में आप बेवकूफ़ बना रहे हैं क्लासेस। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक कोचिंग है, ये अच्छा काम कर रहे हैं वैसे। मेरे महाराष्ट्र में देखिए कितने बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग तो बहुत कम हो। मैं महाराष्ट्र का एक पिक दिखाता हूँ जिसमें बच्चे क्लास करते हैं प्रोजेक्टर में, मैं आपको पूरी संख्या दिखाता हूँ। बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़े बच्चे हैं ये सारे बच्चे, एक लगभग 1000 बच्चे हैं टोटल। 1000 बच्चों की एक पूरी क्लास होती है, बड़ा सा थिएटर टाइप का ले रखा उन्होंने, जो पूरी क्लास यहाँ की करवाते हैं वो, समझो। मेरे पास जगह जगह से, बहुत जगह से इमेजेस आई हैं। एक अभी इमेज आई है महाराष्ट्र से ही है, देखिए एक इमेज ये आपकी आई है, इतने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। देखिए आधे तो खड़े होके पढ़ते हैं, ये पूरा एक बैच ये सब प्रोजेक्टर में देख रहे हैं, सब प्रोजेक्टर का है, सब आज़ादी इस एकेडमी के बैचेस से पढ़ते हैं ये पूरा का पूरा। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग सिर्फ और सिर्फ यही चला के यही पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, ये गलत नहीं मानता मैं, ये ऐसा होना चाहिए, यही उद्देश्य है। लेकिन प्रॉपर्ली आप उससे अपना बिजनेस चलाने लग जाओ, ये गलत है। आप क्यों फीस लोगे किसी से, क्या हक बनता है आपका? यदि संस्था आपके साथ वर्क कर रही है तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उसके साथ फ्रॉड करें। नाम बदनाम होता है, लोगों को लगता है कि हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, हमारे द्वारा किया जा रहा है। प्रॉपर बहुत जगह पे यही हुआ कि संस्था को बहुत लोगों ने बदनाम भी किया कि लोगों ने फीस ले ली, कभी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई नहीं, और वो फाइनली हमारे ऊपर फ़ोन करके बोलने लग जाते हैं कि सर आपके नाम पे पैसे लिए गए। कितने केसेस आ चुके, तो मैं खुद परेशान हो गया था इस समस्या से। तो ऐसे पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोजेक्टर में क्लास दिखाओ वो सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन प्रॉपर बैच पढ़ा के पढ़ाओ वो ठीक नहीं है। किसी से पैसे मत लो हमारे नाम पे, मैं ये चाहता हूँ मेरे नाम पे पैसे ना लिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो फिर ठीक नहीं, वो तो अपने हित के लिए ले रहे हैं ना आप। और ये भी नहीं मैं कहूँगा कि आप मेरे एजेंट बन जाओ, है ना, कि आप लो और परसेंटेज में, ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो चल रहा है संस्था से लीगली चलेगा, गलत चलेगा तो उसके लिए सब कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलो फिर शुरू करते हैं, अपना सेशन शुरू कर रहे हैं।